इसमें ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट लेने वाली जो पार्टी है वो सरकार बनाती है और 70 सालों में उतना पाप नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया। ये पहली बार हुआ है हमारे भारत देश में जब से भारत देश आज़ाद हुआ है कि जो मुलाजिम है सड़कों पर हैं और वो 150-150 दिनों से सड़कों पर हैं, उनके बच्चों के पास जो पर्याप्त मात्रा में खाने की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है, पढ़ने लिखने के उनको लाले पड़े हुए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि आज सभी के घर में जो जितना मर्जी मातम छाया हो लेकिन एक छोटा सा हल्का सा दिया जलाया जाता है, एक नई उसे उम्मीद दी जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 70 सालों में। इतना घनघोर पाप ये कर रहे हैं, ये तो कंस को, रावण को, सभी बड़े बड़े महापापियों को ये क्रॉस कर चुके हैं। ये सत्ता की नींद में, नशे में इतना ज्यादा है कि शायद चिट्टे का नशा भी इनके आगे थोड़ा फीका पड़ जाए। तो मेरा ये मानना है, आग्रह है कि इतनी बड़ा अन्याय आज तक नहीं हुआ। जब ईद हुई थी पीछे तो ईद वालों को एडवांस में मिल गई थी सैलरी, तो ये अपनी आंखें, अपने कान और मन खुला करके पूरे भारत देश के नागरिक सोचें, विशेष करके जम्मू के लोग सोचें कि देखिए हमें डराने वाले, धर्म के नाम पर हमें सताने वाले, हमसे वोट लेने वाले श्री रामचंद्र जी के नाम पर, लेकिन श्री रामचंद्र की आज पूजा अर्चना करनी है लेकिन उन लोगों को ये पैसे देकर के, उनकी सैलरी देकर राजी नहीं है, इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता। सरकार जो है सुन हो चुकी है और मैं तो कहूंगा टोटली इररिलीजियस बन चुकी है और हिंदुओं के खिलाफ है ये सरकार। नाम भले ही लेते हैं, बड़े बड़े तिलक धारण करते हैं, वस्त्र भी धारण करते हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफ से दिखाते हैं, लेकिन आज उन घरों में आपने बड़ी बार दिखाया, बड़ी बार हमने कवरेज देखी, मीडिया में ये छाया हुआ है कि आज तक जो पीएम पैकेज वाले मुलाजिम हैं 150 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए धरने पर, और जितने भी एससी वाले कैटेगरी वाले लोग श्रीनगर में काम करते थे धरने पर बैठे हुए हैं, जितने भी डेली वेजर हैं धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो अपने धृतराष्ट्र बन के बैठी हुई है और बिल्कुल भी उनकी पीड़ा सहन नहीं कर पा रही है। हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव। देश भर में आज दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे इंप्लॉयज हैं जो बिना तनख्वाह के दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर पीएचई डेली वेजेस की बात करें तो आज वो किस हालातों में अपना जीवन जी रहे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कल भी पीएचई डेली वेजेस ने कहा कि इस बार की जो दिवाली है वो हमारी काली दिवाली आई है और खाली दिवाली आई है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बाजारों में इतनी रौनक देखी जा रही है, लोग अपने बच्चों को गिफ्ट लेकर दे रहे हैं और खरीदारी जमकर कर रहे हैं, लेकिन पीएचई डेली वेजेस आज इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चों को गिफ्ट लेके दें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उठ रहा है कि आखिर ये हालात जो आपकी तरफ से बनाए जा रहे हैं ये हालात किस ओर जा रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि चलिए 1 या 2 महीने की तनख्वाह ही इनके हाथों में दी जाती, ये भी अपने घर का कुछ पालन पोषण कुछ हद तक कर पाते, अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेते, गिफ्ट लेते, कपड़े लेकर देते उनको अच्छे, लेकिन आज वो चेहरे काफ़ी मायूस नजर आए। तो इसी के ऊपर डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता दीप सिंह जी मेरे साथ हैं, इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ पीएचई डेली वेजेस बल्कि पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीर घाटी में तमाम वो एम्प्लॉय जो अभी जम्मू में हड़ताल पर हैं, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी से भी ताल्लुक रखते हैं, किसी को भी तनख्वाह जो है वो नहीं मिल पाई है और हर कोई कह रहा है कि इसका इस बार की दिवाली काफी खाली नजर आई और काली नजर आई। तो मैं आपसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा कि पीएचई डेली वेजेस लगातार हड़ताल पर हैं, 72 महीनों का वेतन उनको नहीं मिल पाया, 70 से 75 महीनों का, और पिछले 4 महीनों से तो लगातार रेगुलर उनको वेतन मिल ही नहीं पा रहा। अगर ये थोड़ा सा वेतन उनको मिलता तो शायद आज उनको थोड़ी एक आस होती, उनके बच्चों को उम्मीद होती, परिवार को उम्मीद होती। क्या कहेंगे, पीएम पैकेज की तहत बात कर ले या एससी एसटी एम्प्लॉयज की बात कर ले, क्या कहेंगे, आज की दिवाली काफ़ी सूनी नजर आई उनके लिए। ये मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि 70 साल में पहली बार भारत देश में ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र जी के नाम पर वोट लेने वाली जो पार्टी है वो सरकार बनाती है और 70 सालों में उतना पाप नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया। ये पहली बार हुआ है हमारे भारत देश में जब से भारत देश आज़ाद हुआ है कि जो मुलाजिम है सड़कों पर हैं और वो 150-150 दिनों से सड़कों पर हैं, उनके बच्चों के पास जो पर्याप्त मात्रा में खाने की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है, पढ़ने लिखने के उनको लाले पड़े हुए, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, और हिंदुओं के नाम पर ये सरकार चलाने वाले और बनने वाले आज जितने भी हिंदू
यहाँ हमारे जम्मू में बैठे हुए हैं पीएम पैकेज के थ्रू, हिंदू ही लगे हुए हैं वहाँ पर। बताइए हमें कौन से वाला दूसरे किसी रिलीजन का लगा है। और हमारे हिंदू वर्ग के ही एससी वाले लोग जो हैं वहाँ पे जॉब किया करते थे, उन्हें डरा धमका करके लगातार उनकी सिलेक्टिव किलिंग करके यहाँ भेज दिया गया है। उन पर एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा बन चुका है, लेकिन सरकार ये मानने वाली नहीं है। कितनी इसकी निंदा करें, कितनी भर्सना करें, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि आज सभी के घर में जो जितना मर्जी मातम छाया हो, लेकिन एक छोटा सा हल्का सा दिया जलाया जाता है, एक नई उसे उम्मीद दी जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 70 सालों में। इतना घनघोर पाप ये कर रहे हैं, ये तो कंस को, रावण को, सभी बड़े बड़े महापापियों को ये क्रॉस कर चुके हैं। ये सत्ता की नींद में, नशे में इतना ज्यादा है कि शायद चिट्टे का नशा भी इनके आगे थोड़ा फीका पड़ जाए। तो मेरा ये मानना है, आग्रह है कि इतनी बड़ा अन्याय आज तक नहीं हुआ। जब ईद हुई पीछे तो ईद वालों को एडवांस में मिल गई थी सैलरी। तो ये अपनी आंखें, अपने कान और मन खुला करके पूरे भारत देश के नागरिक सोचें, विशेष करके जम्मू के लोग सोचें कि देखिए हमें डराने वाले, धर्म के नाम पर हमें सताने वाले, हमसे वोट लेने वाले श्री रामचंद्र जी के नाम पर, लेकिन श्री रामचंद्र जी की आज पूजा अर्चना करनी है, लेकिन उन लोगों को ये पैसे दे करके, उनकी सैलरी देकर राजी नहीं है। इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता है। जानना चाहूंगा ना, जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंतर्गत जितने भी तमाम इंप्लॉयज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनको तो महीने के बाद अच्छी हैंडसम सैलरी जो मिल जाती है, लेकिन उन बेचारे पीएचई डेली वेजेस का क्या कसूर है? या तमाम जो आप पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमों की बात करें, एससी एसटी कम्युनिटी से जो ताल्लुक रहते हैं इंप्लॉयज, उनको लेकर बात करें, मैंने वो चेहरे देखे कल जो पीएचई डेली वेजेस रोते नजर आए कि हम बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं। एक दिया जलाने के लिए शायद उनके पास पैसे नहीं थे, जो वो पिछले 4 महीनों में अब लगातार एक हरासमेंट फेस कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनका एक ही कसूर है और पूरे जम्मू के लोगों का एक ही कसूर है कि 2014 में आंखें बंद करके, कान बंद करके एक ही पार्टी का नाम लिया और एक ही को वोट दे दिए। आज के बाद ही हमें सीख मिल गई कि हमेशा पहले उनकी नीतियां जानो, उनका पिछला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखो, आगे क्या देंगे, उनकी विजन भी देख करके वोट दें। ये आपको वोट देने की सजा मिली है। आपने जो एक भावना में आकर के पूरे के पूरा एक फ्लड ही एक तरफ आपने कर दिया, ये उसकी सजा हमें मिल रही है, क्योंकि हमने पूछा नहीं आप क्या करके दोगे। मैं तो फिर से विनती करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बार वो दीपावली हमारे जम्मू में जो एक प्रदर्शनों का शहर बना हुआ है उनके साथ आकर के मिलाए उनके घरों में दिया जलाने का एक आसरा जगाएं, उन्हें ज्यादा नहीं, जो एक महीने की सैलरी है कम से कम उतनी तो दे दें। एक सेकंड में आजकल सबके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसा करके राजी नहीं है। डेली वेजरों का भी एक कसूर में और निकालना चाहूंगा, वो भी खुल करके सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर वो सरकार का विरोध करे तो सरकार डरे, सरकार पीछे होगी, वो भी गुपचुप ऐसे बोले तो हम आंख मिचोने वाला खेल खेल रहे हैं, खुल के बोले जिसके खिलाफ बोलना है। अब उनका भविष्य वैसे भी समाप्त है, अंधकारमय है, इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है कि दीपावली उनकी काली मनाई जा रही है। लेकिन वाकई में लग रहा है कि अफसोस होता है कि जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, इतना बड़ा हिंदुओं का त्यौहार और वो इतने इनके लिए खाली गया, एक हमारे अंदर भी एक दुख होता है, तकलीफ होती है, एक 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 सेंटीमेंट जो प्रकट होते हैं। बिल्कुल, ये सरकार जो है सुन्न हो चुकी है और मैं तो कहूँगा टोटली इररिलीजियस बन चुकी है और हिंदुओं के खिलाफ है ये सरकार। नाम भले ही लेते हैं, बड़े बड़े तिलक धारण करते हैं, वस्त्र भी धारण करते हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफ से दिखाते हैं, लेकिन आज उन घरों में आपने बड़ी बार दिखाया, बड़ी बार हमने कवरेज देखी, मीडिया में ये छाया हुआ है कि आज तक जो पीएम पैकेज वाले मुलाजिम हैं 150 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए धरने पर, और जितने भी एससी वाले कैटेगरी वाले लोग श्रीनगर में काम करते थे धरने पर बैठे हुए हैं, जितने भी डेली वेजर हैं धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो अपने द्वित राष्ट्र बन के बैठी हुई है और बिल्कुल भी उनकी पीड़ा सहन नहीं कर पा रही है, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है। आखिरी सवाल, क्योंकि आज का ये जो त्यौहार है, हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को जो वो उपहार के तौर पर कभी उसकी जेब में कुछ पैसे डाले कि चलिए एक हौसला अफजाई होती है, लेकिन प्रशासन ने तो ये तक भी नहीं किया।
प्रशासन ने जो आंशिक तौर पर भी जो 1000-2000 या जो भी बन पाता था वो भी नहीं दिया कि गिफ्ट के तौर पर एक दिन ही वो बना लेते, एक दिन अच्छा गुजार लेते, उतना भी नहीं किया। तो यहाँ से साफ जाहिर है प्रशासन अफसोसजनक है जी। और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी का कसूर है, और जब 23 सितंबर की छुट्टी हो जाती है कहते हैं देखो ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो ये दोगलापन जब तक इन लोगों में रहेगा तब तक यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा। चलिए, तो ये एक रिएक्शन लेने की हमने कोशिश की है, जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजिम हो, एससी एसटी वाले जो तमाम इंप्लॉयज हो जिस समय धरने पर बैठे हुए हैं, जो कश्मीर में कार्यरत है लेकिन कश्मीर के हालातों को देखते हुए वो प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं है, और उसी के चलते बड़ा इसमें मैं ये आपको अपडेट करना चाहता था कि जो पीएचई डेली वेजेस हैं पिछले 4 महीने के आसपास उनको वक्त हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, उनको पॉलिसी जो वो रेगुलर नहीं मिल पा रही, और 70 से 75 महीने का वेतन जो पुराना नहीं दे पाए उनको, और अगर आज 1-2 महीने की ही तनख्वाह उनको दे दी जाती आज उनके बच्चे खुश होते, उनका परिवार खुश होता कि चलिए आज उनके घर पर जो वो रोशनी हुई है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये काली दिवाली खाली दिवाली उनके लिए गई है। इसको लेकर प्रशासन को कोई संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, ये बड़ा अफसोसजनक रहा, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी दुख तकलीफ है कि आज उनके घर पर दीपावली का त्यौहार जो वो उस हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा होगा, क्योंकि त्यौहार मनाने के लिए जेब में पैसे भी चाहिए लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, और उसी को लेकर ये पीएचई डेलीवेज ने कल ही कह दिया था कि हमारी ये काली दिवाली गई है, खाली दिवाली गई है, कि कम से कम पिछले 3-4 महीने से ही जो तनख्वाह बंद है वो दे देते, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते प्रशासन का, लेकिन बड़ा अफसोस है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को कहने का एक संज्ञान उनके बच्चों के बारे में लेना चाहिए था, उनके बारे में सोचना चाहिए था, परिवारों के बारे में सोचना चाहिए था लेकिन नहीं सोचा। ये बड़ा एक पीड़ादायक रहा, बड़ा एक अफसोसजनक रहा। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जल्द संज्ञान लेगा, आने वाले त्यौहार वो अच्छे से मना पाए। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।